नमस्कार, मैं अभयराज मुजफ्फरपुर नाव की खास पेशकश जनता की मन की बात जनता के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुरहन्नी विधानसभा के लदौरा पंचायत भवन के पास पहुंचे हैं, जहां कुछ वोटर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी मन की बात जानेंगे। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम हो गया शत्रुघ्न शाह। क्या करते हैं आप? हाँ, हम अभी तो हमारा बीमारी पकड़े हुआ है, थोड़ा सा नहीं, हम लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस हमारा हम लोग का है। हाँ, और अभी तो मैं कैंसर पेशेंट हूँ, दिल्ली से इलाज चल रहा है मेरा, इसलिए अभी हम घर पर हैं। एक वोटर भी हैं आप? हाँ, वोटर हैं। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार हमने केदार प्रसाद गुप्ता को वोट दिए थे। क्या सोचकर? सोच के दिए थे ये अन्य उनके हरकत से, उनके व्यवहार से हम लोग भींग थे, तो देखे भाई नया बदलाव होना चाहिए, नया बदलाव में क्या होता है, तो नया बदलाव हम लोग किए हैं। नया बदलाव में ये बहुत अच्छे निकले हैं। अभी तक जो भी विधायक बने हैं कुरहन्नी के लिए, बहुत बड़ा बढ़िया विधायक बने हैं ये, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी विधायक जरूर टिकट मिलेगा तो जरूर निकल जाएंगे कुरहन्नी से। 5 साल में विकास किया है इन्होंने? बहुत विकास किया है 5 साल में। यानी जो रोड में यानी कुछ नहीं था, वो गली गली के रोड बनवा दिए, रोड नाला बन गया, तो विकास तो हम यही पूछते हैं जो हाँ अच्छा विकास हुआ है। जनता के बीच में इन्होंने बहुत बढ़िया से पेश आते हैं, कोई भी दुख दर्द होता है, एक शादी ब्याह, एक सत्यनारायण के पूजा होता है, उनके यहाँ कार्ड जाता है तो तुरंत पहुँचते हैं, गरीब हो या अमीर हो सबके यहाँ पहुँचते हैं, वो साथे बैठते हैं। तो विधायक तो हम लोग को ऐसा ही विधायक चाहिए। और इनसे क्या क्या उम्मीद है जो ये 5 साल में नहीं कर पाए, जो अब करना चाहें? ये ऐसा तो उम्मीद नहीं है जो 5 साल में नहीं कर पाए हैं, जो इनके हाथ का काम है, जो काम इनके हाथ से होना चाहिए, वो तो उम्मीद करते हैं जो सब आने वो काम में तो खड़े उतरे हैं। हाँ, और शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं जी? शराबबंदी यहाँ है या नहीं? शराबबंदी तो हुआ, बाकी जैसे होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बंदी तो है नहीं, मानते जैसे भी हो सके लोग को देखते हैं। अरे पहले दुकान में खरीदता था, अब तो मोटरसाइकिल से उसके घर पर पहुंचाता है लोग। शराबबंदी पूरी तरह से विफल है? हाँ, विफल है ये। और आप क्या चाहते हैं जो नीतीश कुमार को अगर इस पर मौका मिले तो यहाँ करना चाहिए उन लोगों को? ये नीतीश कुमार को अगर जनता मौका देती है तो इस बार क्या क्या ऐसा चीज़ है जो यहाँ करना चाहिए बिहार? अरे करने के लिए तो उनको बहुत ऐसा काम है जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ, इनको तो अभी तक जो है एक एक को ढपली बजाते हैं जो हाँ हम ये किए वो किए। अभी तो आने कर्मचारी लोग हैं वो भी इनसे नाखुश है, टीचर तो सबसे बड़ा नाखुश इनसे है, शिक्षा मंत्री जो भी है इनसे ज़्यादा नाखुश है। उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री को वोट भी नहीं देगा जैसा कर्म इन्होंने किए हैं अभी तक के। इस बार नीतीश कुमार को जनता का आक्रोश देखना पड़ेगा? जी देखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इनका जहाँ सीट पड़ेगा वहाँ बहुत माने संघर्ष करना पड़ेगा, भाजपा का जहाँ सीट पड़ेगा भाजपा के नाम पर उसको लोग वोट जरूर देगा। जी जी, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा तो नाम हुआ बालदेव पासवान। अच्छा, पिछली बार वोट किए थे? हाँ, पहले किए थे। क्या सोचकर वोट किए थे? और क्या सोच के किए? विकास के आगे बढ़ाने के लिए। और इन 5 सालों में क्या आप जो सोचकर वोट किए उसको उस पर खड़े उतरे हैं वर्तमान विधायक? अभी तो ठीक है। ठीक है, इस बार भी उन्हीं को वोट कीजिएगा? हाँ, तो उम्मीद तो यही है जी। और क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए? और क्या विकास जितना जो होना था सो हुआ, कुछ बाकी तो है ही है ना, कैसे बाकी है, एक बार में थोड़े होगा कुछ हो। जी क्या सब रह गया जो पूरा नहीं हो पाया? कौन चीज बतावे हम है? हम क्या बतावे? मेरा नाम हुआ शुभ लाल बाबू गिरी। वो तो अच्छे काम करते हैं, जहाँ तक उनका आर्थिक होता है तक आईवे करते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं। तो केदार गुप्ता जी से काफ़ी खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं। इस बार फिर उनको मौका दीजिएगा? हाँ हाँ, दिल से उनको मौका दिया जाएगा। अच्छा, तेजस्वी सरकार को कैसे देखते हैं आप? उनको तो हम लोग नहीं अभी तक धुआ देखे हैं आज तक। वो भी युवा हैं, युवा के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो क्या उनको मौका दीजिएगा? वो तो समय बताएगा।
शराबबंदी को लेके क्या सोचते हैं? वो तो शराबबंदी के लिए पहले कंपनी को उनका बंद करना चाहिए, तो पहले यहाँ जनता के दुकानदारी के निर्धारित कर दिए थे ना। कंपनी बंद ना होगा जब तक तो शराब बिका भी करेगा। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है शराबबंदी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो 10 कंट्रोल लेगा तो उसको 8 कंट्रोल करेगा, दुकानदार अपना हाथ में रखता है, वही लोग तो वही करते हैं। और क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में और विकास होना चाहिए, जो अगर इस बार केदार गुप्ता जी को मौका मिले आप लोग तो विकास जब आएंगे उसके बाद ना विकास के आगे के तो आगे बताएंगे ना, अभी क्या बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं बताया जाएगा।